आप तो एकदम से यहाँ पे सायरन बजा और तुरंत भाग के यहाँ पे आ गए। आपको पहले बताया था इसके बारे में? सभी को बताया था सायरन बजा और हमें यहाँ पे आना है। ये ठीक है, ये क्यों बताया? क्योंकि हम लोग एक प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कुछ भी है अगर हादसा होता है तो हमें यहाँ से बाहर निकलना है। लेकिन अगर हम नहीं बताए और ये सायरन बजे, फिर आप लोग क्या करोगे? मतलब इंस्ट्रक्शन का इंतजार करोगे या निकल के आ जाओगे बाहर? हाँ, तो ये जो सायरन है, सायरन का मीनिंग यही है, ये सायरन बजा है तो समझ लो कोई ना कोई इमरजेंसी यहाँ पे आ गई है और हमें असेंबली पॉइंट के ऊपर इकट्ठा होना है। तो हमारे स्कूल का असेंबली पॉइंट ये है, तो यहाँ पे हमें इकट्ठा होना है। इकट्ठा होते ही तुरंत मैडम को या अपने सर को ये बताना है कि मैं आ चुका हूँ और मेरे पीछे जो बैठा हुआ था वो नहीं आया है या आ चुका है। मतलब आप एक क्लास में अगर 20 लोग बैठे हैं, 20 बच्चे बैठे हैं, तो सबका आपका काउंट कर लेना कि 20 के 20 आ चुके हैं कि नहीं आ चुके हैं। अगर कोई रह गया है तो तुरंत बताओ कि मैम वो रह चुका है वहाँ पे, अब उसको लेके आना है। कैसे लेके आना? तो सबसे पहले यहाँ आने के बाद अटेंडेंस पूरा करना है कि कम्प्लीट हम लोग आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं। और आज हमारे बीच में संजीव भाई जी भी हैं जो कि डॉक्टरेट उनको मिला है फायर सेफ्टी में, तो मैं चाहता हूँ एक राउंड ऑफ अप्लॉज मिल जाए उनको। आप आइए दी, तो थैंक यू सो मच मैम। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने आप को ना रिलैक्स समझो, ये मत समझो कि यहाँ पे ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसके लिए हमें समझाएंगे बताएंगे फिर हमसे कुछ पूछेंगे उसका एक एग्जाम लेंगे, मतलब ऐसा भारी मत समझो इस चीज को। हल्का अपने आप को मतलब रिलैक्स होके सब बातें सुनो, बस समझना है खाली मोटे दिमाग से। एक तो हम पढ़ाई करते हैं मैथ में, बिल्कुल सीखते हैं एक एक चीजें, वो चीजें नहीं सीखना है आपको, बस खाली सुनना है और उसको अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करना है, उसको लेके आना है कि किस तरीके से कैसे क्या हम लोग अपने आप को किसी इमरजेंसी सिचुएशन में बचा सकते हैं, किस तरीके से बचा सकते हैं, वो क्या तरीके हैं। ऐसे दो सिर्फ तीन चार तरीके हैं ऐसे जो आप अपने आप को बचा पाओगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे ये कमरा है यहाँ पे अंदर में, एक कमरा है, इस कमरे के अंदर हम 5 लोग बैठे हुए हैं, एकदम से फायर हो गया, लॉक लग गया है, धुआं अंदर फैल गया है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? जल्दी जल्दी सबसे पहले आग की एक थ्योरी को समझो, सिर्फ मोटी मोटी थ्योरी को समझो कि आग कैसे लगती है, किन किन चीजों से लगती है। सिर्फ तीन चीजें हैं जिससे आग लगती है, एक तो ऑक्सीजन हो गया हमारा, एक मटेरियल हो गया हमारा, और एक इग्निशन हो गया, मतलब चिंगारी उसके ऊपर लगेगी। अगर यहाँ पे एक कागज रखा हुआ है, उस कागज के ऊपर हम चिंगारी डालेंगे तभी आग लगेगी, और ऑक्सीजन ऑलरेडी है ही हमारे एनवायरनमेंट में। अब कहीं पे अगर मान लीजिए घर में अगर हमारा कोई गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर के अंदर अगर कहीं पे आग लग जाती है तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह तो कुछ है नहीं, तो हम किसी एक सोर्स को खत्म कर देंगे वहां से। अब सिलेंडर के अंदर से गैस तो निकल रही है, गैस तो खत्म होगी नहीं, तो पूरा खत्म होने के बाद ही होगा, तब तक तो वो आग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब वो चिंगारी है, चिंगारी ऑलरेडी लग चुकी है, वो ऐसे पानी से बुझेगी नहीं, किसी चीज से वो बुझेगी नहीं। उसके लिए क्या करना होगा, कोई भी कपड़ा पूरा अच्छे से भिगो के उसके चारों तरफ लपेट दो। अभी आगे बात करते, समझ गए ना कि इसकी थ्योरी के आग किस तरीके से लगती है। अब आगे स्कूल है, इस स्कूल में हम कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, बाहर में कहीं पे आग लग चुकी है, हम अंदर फंस चुके हैं, बहुत ही बुरे तरीके से फंस गए, कहीं से रास्ता निकल नहीं रहा, लेकिन इंफॉर्मेशन हमने दे दी है, गवर्नमेंट को भी दे दिया है, पुलिस को भी दे दिया है, अपने प्रिंसिपल को भी दे दिया है। अब उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो वो लोग कुछ ना कुछ बचाव का साधन तो कर ही रहे होंगे। हम लोग रूम के अंदर फंसे हुए हैं, देखिए जब आग लगती है ना तो आग के जलने से आदमी नहीं मरते हैं वहां पे, उसका जो धुआं उठता है ना उस धुएं से आदमी मरता है। अब हम एक रूम के अंदर है, वहां पे आग नहीं पहुंची है लेकिन वहां पे धुआं आ रहा है,
अब उस धूमर को रोकने के लिए आपको क्या करना होगा, कैसी ट्रिक निकालनी होगी, पूरा सारे दरवाजे बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे पास आग तो पहुंची ही है, यहाँ पे आएगा तो हमारे पास अभी धुआं आएगा, तो हमें अपने धुएं को रोकना है कि धुआं हमारे यहाँ पे घुसे नहीं, और हम अपना बचाव तब तक करते रहे जब तक बचाव के लिए टीम नहीं आ जाती। अब जब दरवाजे जहाँ पे होते हैं वहाँ पे हमारे पास अंदर में कोई कपड़ा या कोई भी ऐसा वो चीज़ हो, उसको गीला करके जहाँ भी सुराख दिखाई दे उस सुराख के अंदर उस कपड़े को ठोक दो, तो धुआं वहाँ से बाहर अब आपके पास नहीं आएगा। कि जब तक टीम हमारे पास पहुँचेगी तब तक तो हम अपने आप को बचाएंगे, कोई रास्ता तो निकलने का है नहीं वहाँ से। एक आपको एक कहानी बताऊँगा मैं, वसंत कुंज में एक होटल के अंदर आ गया, होटल के अंदर। अब उस होटल में अंग्रेज रुका हुआ था और कुछ हमारे इंडियंस लोग भी रुके हुए थे। रूम के अंदर एक अंग्रेज वहाँ पे अंदर बैठा हुआ है और उसने देख लिया कि हाँ फायर हो गया, लेकिन मेरे से यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। उसने क्या किया, पूरे दरवाजे बंद कर दिए, दरवाजे बंद करके अंदर जो भी चादर वादर पड़ी थी गीला करके सभी जगह पे जहाँ से धुआं आने का रास्ता था उस धुएं को रोक दिया। तब तक वो टीम आ गई है और काफ़ी आदमी वहाँ पे मरे थे धुएं की वजह से, क्योंकि होटल्स के अंदर जहाँ पे आग लगी थी वो रूम के अंदर इतनी जल्दी आग नहीं पहुँचती है, वो धुआं ही पहुँचता है। सिर्फ वो अंग्रेज जो रूम के अंदर था वो एक अंग्रेज बचा था, उसने अपने इंटरव्यू में खुद बोला था कि हम लोग जब कहीं पर फंस जाते हैं तो हम आग से नहीं धुएं से मरते हैं, हमारे अंदर जो धुआं चला जाता है उससे हम मरते हैं। तो वही बचाव करना है सबसे पहले हमें, कि अगर हम किसी रूम के अंदर है बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमको धुएं को अपने पास नहीं लेकर वो पूरा सब तरीके से कवर करके और उसको बंद कर दे रहा है। तो ये तो बचाव हो गया। अब सिचुएशन ऐसी भी आ जाती है भाई, हमारे साथ में दोस्त लोग भी होते हैं या हम किसी फैमिली के साथ भी रहते हैं या कहीं और ऐसी जगह पे गए हुए जो दूसरा आदमी कमजोर है, हम लोग उस चीज़ को सहन कर पाए और हमें रास्ता दिखाई दे रहा है कि हम यहाँ से बाहर निकल के जा सकते हैं, लेकिन यहाँ मेरा जो दोस्त पड़ा हुआ है इसको मैं कैसे लेके जाऊँ। अब अकेला आदमी कैसे उठाएगा भाई, एक आदमी ऐसी सिचुएशन के अंदर अपने आप को तो संभालना मुश्किल होता है, दूसरे को कैसे संभाल। अब देखो ये तगड़े वाले हैं, ये हल्के वाले, ठीक है। अब ये मान लीजिए ये तगड़े वाले भाई जी अगर वहाँ पे देवों तो गिर जाते हैं, तो अब उनको ये ऐसे भी नहीं उठा पाएंगे कि इसको ऐसे करके लेके कई बार उठा उठा अपने तो भाई है। नहीं ऐसे उठाकर कितनी देर तक चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कभी भी कुछ हो जाता है तो एक मिनट का आप बैठ करेंगे ऐसे ही अगर गिरा हुआ है ये भी कह रहा था कि ये एक मेटाफर है, ये आपको जो ये हाथ ये जो तरीका अब कंधे पे आ गया ना सीधा, चाहे कितना भी दूर जाना हो हम दूर तक भी लेके जा सकते हैं, हम सिंगल आदमी जो उठा सकते हैं वो तरीका है। अब वहाँ पे हम तीन आदमी हैं, एक गिर गया दो आदमी को भी उठाना है, यहाँ कोई ज़्यादा भारी हो जाता है दो आदमी उठाने तो किस तरीके से उठाएंगे, उसके लिए क्या तरीका है, इधर से हाथ पकड़ना है आप उठेंगे तो एक आदमी ये हाथ में खोलो, ये देखो मैंने कैसे पकड़ा हुआ इनका हाथ यहाँ से पकड़ा हुआ। अब जैसे ये तरीका है, ये सब तरीके यूज नहीं करने हैं, उंगली में उंगली डाल के तो ये तरीका अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें हमारी उंगलियां फंस जाती है और उंगली टूट भी जाती है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, यहाँ से कलाई को पकड़ना है, मतलब इससे छूटेगा नहीं। अब उसको फिर ऐसे नीचे ऐसे कुर्सी पे बिठा के जिस तरीके से लेके जाते हैं यही मेरा यहाँ से देखो उनकी हाइट है बड़ी आप देख रहे हैं और जो इवैक्यूएट कर रहा है उसकी हाइट है छोटी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये पहले हाथ पकड़ो आपस में, हाथ ऐसे ऐसे कलाई कलाई मजबूत कलाई, देखो तरीका देखो देखिए आप
क्लैपिंग कीजिए आप सबके। उंगली नहीं पकड़नी है, कोई अंगूठा नहीं पकड़ना है, बस यही कलाई को ही पकड़ना है, क्योंकि अगर कलाई के ऊपर कितना भी दबाव आ जाए, कितना ही प्रेशर आ जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे हाथ के ऊपर। लेकिन अगर उंगली के ऊपर प्रेशर आ गया तो उंगली टूट सकती है, ठीक है। अब इसी हाथ को बेटा सर के पीछे लेके जाओ, ठीक है, ये आ गया। अब इस हाथ से यहाँ से पकड़ो, थोड़ा झुकिए उधर से, हाँ बाजू बाजू पे ना। अब यहाँ टांग भी यहाँ पे लगाओ, कुर्सी की तरह। हाथ कहीं पे लगी हुई है तो आप क्या सोचोगे, आपने आपको बचाने की सोचोगे क्या? इसको यूं मोड़ा, ये यूं हाथ रखा, हाँ यूं हाथ रखा, और ये हाथ ऐसे, ना 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 तुम, हाँ ये हाथ यूं, ये लेफ्ट लेफ्ट, हाँ अब इसको यहाँ, अब यूं यूं का यूं, अब जाओ प्रॉपर स्टेज पे घूम जाओ। इसको यूं रखना है, इसको ऐसे करोगे तो आराम से उठा पाओगे, जर्क नहीं आएगा, चोट नहीं लगेगी। 15 से 25 सेकंड में इसके अंदर जो फॉर्म है, जो केमिकल है, वो रिएक्शन होकर बाहर निकल जाएगा। तो उसी दौरान हमें आग को जहाँ पे हमें इस पॉइंट बनाना है तो उस पॉइंट के ऊपर ही रखना है, इधर उधर ना रहे। अपना जो इनका जो होस्ट रील जो है, ये होस्ट रील ऐसे रहेगा और ये ऐसे पकड़ेगा। आग के नीचे वाले पॉइंट को पहले, और आपने देखा सर का जो हेड है वो पाइप से पीछे, कई लोग क्या करते हैं अपने सर को आगे ले जाते हैं, आप समझ रहे हैं बात को, वो आगे ले जाते हैं उसको जी। अब एक तो डेमोंस्ट्रेशन करवा लेते हैं, आप एक बार आप आ जाइए जी, आप में से कोई भी आ जाइए, आप आ जाइए, आ जाओ एक बार, हां थोड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि आपको सब समझ आ रहा है मतलब जी, इस तरीके से, यहाँ से मारते हुए तब ऊपर की तरफ लेके जाना, नीचे से, यानी कि जहाँ पर आग लगी होती है उसके सबसे जहाँ पर स्ट्रॉन्ग जहाँ से लग रही हो, क्योंकि वो अगर सिलेंडर खाली हो गया तो वेस्ट हो जाएगी सारी। आग कितने तरह की होती है भैया? आग तो आग है, अब हमें क्या पता, आग तो सर एक ही तरह की होगी ना, हमें क्या पता आग कितने तरह की होगी। तो आग के भी अलग अलग वो तरीके हैं कि किस तरीके की आग कौन सी है और किस तरीके की आग के ऊपर कैसे काबू पाया जाएगा। आग के चार पांच पांच तरीके हैं, ठीक है, ए बी सी डी और के, ए बी सी डी और के, क्या बताया सर ने, ए एक बार फिर से बोलेंगे, अब कोई भी ये आग होती है इनमें, तो हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर है उनके लिए सभी फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग बने हुए हैं, लेकिन कॉमन जो ये वाला फायर एक्सटिंग्विशर है इसको क्या बोलते हैं, ए बी सी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर। क्या बोलते हैं? ए बी सी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर। अब इस फायर एक्सटिंग्विशर को आप किसी भी फायर के ऊपर यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो स्कूल में या कहीं ऐसी जगह पे जो हॉस्पिटल्स वगैरह है वहाँ पे आपको ना एक तो ये टाइप के सिलेंडर दिखाई देंगे पब्लिक एरिया में, और एक CO2 टाइप का होता है जो इलेक्ट्रिकल में यूज होता है, ठीक है, एक वो यूज होता है। यहाँ पे जो आपको समझाने का मेन उद्देश्य क्या था कि आप लोग कैसे बचाव करोगे, किस तरीके से अपने आप को रेस्क्यू करोगे। आग का समझना आप लोगों के अभी थ्योरी से अभी बाहर है, क्योंकि वो चीज़ें समझोगे तो आप जो अभी हम जो रेस्क्यू का जो आइटम था वो सब भूल जाओगे। तो चार पांच तरीके की आग होती है उसके बारे में आप पढ़ाई करना, आपको पता चल जाएगा। ये तो अपना जो सेफ एक्ट थ्योरी, इसके ऊपर हम सेफ्टी से रिलेटेड वीडियोस वगैरह बना के डालते रहते हैं, फिर फायर सेफ्टी हुआ या रोड सेफ्टी हुआ, और भी बहुत सारे ऐसे सेफ्टी के प्लेटफॉर्म है। एक आता है इलेक्ट्रिकल फायर जो हमारे यहाँ पे मिल ही जाएगा। इलेक्ट्रिकल फायर के बारे में सर बता रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फायर कहीं भी हो, चाहे घर में हो, चाहे स्कूल में हो, या किसी घूमने गए हुए वहाँ पे हो,
उस जगह पे आपको हट जाना है, दूर हट जाना है, आपको कुछ नहीं करना है वहाँ पे, ना आपको फायर एक्सटिंग्विशर चलाना, ना कुछ नहीं करना है वहाँ पे। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वही लोग देखेंगे उस चीज़ को, तो इलेक्ट्रिकल फायर से आपको वहाँ पे हट जाना है, कुछ करना नहीं है। कोई ऐसा डंडा या कोई ऐसा मार्केट जैसे हम यूज़ आ देते हैं कई बार आज, तो वो तरीका कोई यूज़ नहीं करना है वहाँ पे। सिर्फ यही है कि आप उसके ऊपर मिट्टी डाल दो। अभी सर ने बताया कि जब घर में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छे जवाब दिया कि मिट्टी डाल देते हैं। पानी, आप सबको ये तो बता रहे हैं कि पानी और इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे के अपोजिट होती हैं और पूरक होती हैं, यस और नो? ये तो करंट फ्लो है, तो इसलिए जब मिट्टी डाल देंगे तो उसमें ऑक्सीजन का फ्लो सर बंद हो जाएगा। सर मैं ठीक हो रहा हूँ जी? तो यही तरीका है कि आप उसको मिट्टी डाल देंगे, बट उसको कोई लकड़ी या उस चीज, क्योंकि लकड़ी भी जल जाएगी वहां पर, तो ऐसी कोई चीजों का यूज नहीं करना है। तो आप उसमें सबसे पहले मिट्टी डाल देंगे, और मिट्टी आपको कहाँ से मिल सकती है, आपने ध्यान देखा होगा घरों में गमले लगे होते हैं, आप इमरजेंसी में उस पौधे को, अगर इमरजेंसी में वो मिट्टी यूज करना चाहे तो आप यू कैन यूज कर सकते हैं। इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, नहीं कि अभी आप जाते ही घर में और कुछ हो जाए तो आप उस पौधे को निकाल, ऐसा नहीं है, हमें पर्यावरण का ध्यान रखना है। तो उस मिट्टी को आप वहां से आप यूज कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, विद सेफ्टी, सुरक्षा बहुत जरूरी है, चाहे आप कहीं पे भी हो, आप अपने घर पे हो या आप स्कूल में हो या कहीं बाहर हो, सुरक्षा बहुत जरूरी है। सर ने बाबर आपको कहा है कि सुरक्षा के लिए आपको अलर्ट होने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक, यू नीड टू कम्युनिकेट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार जो है अमित सर और संजीव सर आपको एक ही बात बार बार अलग अलग पैटर्न में बता रहे थे कि बेटा जो आग होता है वो स्प्रेड होता है ड्यू टू द ऑक्सीजन। So if you want to save yourself, you have to minimize that quantity of oxygen, that is very important. ऑक्सीजन की कैसे क्वांटिटी कम करोगे वो उस टैंक की सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास मिट्टी वाला एरिया है, आप मिट्टी बिल्कुल तुरंत कोऑर्डिनेट कर सकते हो, तो मिट्टी फेंक दीजिए, आप रोक दीजिए। अगर आपके पास मोटे कपड़े हैं तो आप उसको भिगो करके जो है पर्टिकुलर जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई को रोक दीजिए। बेसिकली ऑक्सीजन सप्लाई को कट करते साथ ही जो है आग बुझ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन आग को जलाता है। अगर आग नहीं है तो मतलब ऑक्सीजन नहीं है तो आग भी नहीं होता है। तो ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना चाहिए कि तभी आग जलती है जब ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की आपकी जो क्वांटिटी है जो उसकी, वो बेसिकली कट अप आपको करने की जरूरत है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सर आई डू एग्री विद यू, इस तरह के वर्कशॉप होने चाहिए। और आज के वर्कशॉप में इनफैक्ट यू नो एक सिंगल वाले लिफ्ट मैंने भी आज ही सीखा है, डबल लिफ्ट आई नो दैट, बट द सिंगल वन आज ही मैंने सीखा है कि अकेले कैसे उठाते हैं, दिस इज अ वेरी नाइस। ये आपने अपने दिमाग पे रखना है, देयर इज नथिंग टेस्ट, इट इज ऑल अबाउट योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। दूसरा, जो बच्चे रैंप से उतरे हैं उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैडम ने स्टेयर्स क्यों नहीं यूज किए एवैक्यूएशन के टाइम में। स्टेयर्स क्लाइंब करने में बहुत ज्यादा यू नो स्ट्रगलिंग की हो जाती है, स्टेयर्स में एक्सीडेंट की संभावनाएं भी ज्यादा हो जाती है, इसीलिए हर एक स्कूल पे रैंप कंपलसरी है, क्योंकि रैंप में आपके ऊपर नीचे नहीं होते, इट इज़ ऑल अबाउट द स्लैंटिंग, इट इज़ वेरी ईजी टू रन। इसीलिए हमेशा कभी भी स्कूल में किसी भी तरह की डिजास्टर हो, कोई भी इमरजेंसी हो, यू ऑलवेज हैव टू यूज योर रैंप सेफ और सेफ। सो दिस इज अ स्मॉल मोमेंट जिसमें आप अपने आप को कैसे सेव कर सकते हो। एंड वन बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर संजीव सर। संजीव सर इसमें इतनी महारत हासिल कर चुके हैं, तो उन्होंने डॉक्टरेट ले ली है, तो इनके आगे कुछ बोलना इनका इंसल्ट करने जैसी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम तभी ABCD में ही चल रहे हैं, ये डॉक्टरेट कर चुके हैं, है ना। अमित सर इज अगेन अ वेरी एक्सपर्टाइज फैकल्टी, कई सारे बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज को ये एडवाइस करते हैं रिगार्डिंग सेफ्टी, राइट? सो अमित सर, यस। And one big round of applause for, what is your name, sir? Rohit. Rohit? Yes, sir. Rohit, sir, right?
Initiation is created by जो है सचिन सर, वन बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सचिन सर. ओके, नॉट बट लीस्ट, वन बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर क्लास 11th कुलदीप एंड टीम. ये सारे छोटे बच्चे हैं बेटा, आपने ये सीखना है कि आपके सीनियर्स कैसी चीजों को कोऑर्डिनेट करते हैं, आपके सीनियर्स किस तरह से चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि जब ये अगले साल 12th में जाएंगे आप में से कोई ना कोई इनकी जगह लेगा और आपको ये सारी चीज़ें अपने बड़ों से सीखना चाहिए. अभी इस ट्रेनिंग को थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग में ना रिमाइंड करते रहना, अगली बार आपको एक ट्रेनिंग और देंगे CPR फर्स्ट एड ट्रेनिंग, वो बहुत जरूरी है. आपने एक दो ऐसे केस देखे हैं जो एकदम से हार्ट अटैक हो गया और उस सिचुएशन में उसको किस तरीके से बचाया जाए. हमें डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जी जो हमारे राष्ट्रपति रहे, उनको देखा स्टेज के ऊपर हार्ट अटैक हुआ, तो उसी टाइम पे वहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं था जो CPR उनको दे दे, कोई एक ट्रेनिंग उनको मतलब वो सिचुएशन से बाहर निकाल के आ जाए. तो ये चीज हमें अगर आती है तो दूसरे को भी आनी चाहिए. अगर यहाँ पे मेरे को आती है, मेरे को तो आती है, लेकिन अगर मेरे को ही कुछ हो जाए तो मेरे को कौन बचाएगा, आप ही लोग बचाओगे उस सिचुएशन में. तो ये ट्रेनिंग भी आपके लिए आगे एक अरेंज करेंगे स्पेशलिस्ट का डेमो कि किस तरीके से बचाव किया जा सकता है और वो कैसे काम करता है. तो ये CPR की जो ट्रेनिंग है इसके लिए आप तैयार रहना. और आज के दिन टाइम पे तो आप देखते हो गूगल इतना एक्टिव हो गया है, उसके ऊपर आप खुद देखोगे कि CPR क्या होता है, पहले उसके बारे में समझो, अपने दिमाग में क्वेश्चन भर के आओ, इतने क्वेश्चन भर के आओ कि आप लोग अच्छे से उसके बारे में सीख जाए. तो आगे हम आने वाले समय में जरूर CPR की एक ट्रेनिंग अरेंज करके और स्पेशलिस्ट जो होते हैं इसके और पूरा डेमो वगैरह करके आपको दिखाएंगे. थैंक यू. ये सब आपको सुरक्षित रखने के लिए अच्छी डाइट लेंगे और फास्ट फूड से अवॉइड करेंगे. तो जय हिंद, वंदे मातरम. बस एक चीज याद रखो, बी सेफ गो होम सेफ. बी सेफ गो होम सेफ. एक बार सारे बोलेंगे बी सेफ. Be safe. Thank you.